हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं बनाऊंगी फिश ऑयल और ये कतला फिश ऑयल। तो सबसे पहले मैंने इसको अच्छे से साफ कर लिया। यहाँ पे मैंने कढ़ाई गरम कर लिया और सबसे पहले फिश ऑयल को मैंने कढ़ाई में डाल दिया और जिसको मैंने धो के रखी थी। और आज की रेसिपी पे मैंने एक्स्ट्रा ऑयल नहीं डालूंगी क्योंकि इसमें से ही ऑयल निकलेगा बहुत सारा। इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी और थोड़ा सा ये एक्चुअली रिक्सी भी है क्योंकि ये फूटता है और फूटने के वजह से आपको थोड़ा सा ढक्कन लगा लगा के इसको फ्राई करना पड़ेगा। थोड़ा सा हल्दी पाउडर मैंने डाल दिया और थोड़ा सा नमक भी मैं डाल दूँगी और इसको बहुत अच्छे से मैंने फ्राई करके इसको निकाल लूँगी। जो लोग फिश ऑयल पसंद करते हो तो वो लोग ये रेसिपी एक बार ट्राई करना और राइस के साथ ट्राई करना। इसको जितने देर तक आप कढ़ाई में रखोगे ना, ये कढ़ाई में धीरे धीरे लग जाएगा, बट उसको अच्छे से निकल निकल के ऐसे उसको फ्राई करते रहना और कढ़ाई चेंज मत करना क्योंकि यही कढ़ाई में मैं बाकी का रेसिपी बनाऊंगी तो ही टेस्ट अच्छा आएगा। इसको ढक्कन लगा के फ्राई करना प्लीज़, क्योंकि ये देखिए दीवार में कैसे तेल चला गया फूट फूट के। थोड़ा सा गंदा होता है किचन, बाद में साफ करना पड़ेगा। तो चलिए, इसको मैंने अच्छे से निकाल लिया और जो बड़ा साइज़ का था उसको मैंने निकाल लिया और जो एक्स्ट्रा ऑयल था उसको रख दिया। उसी में ही मैंने अभी हरी मिर्च और कांदा डाल लिया। अभी इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी। कांदे को बहुत अच्छे से मैंने यहाँ पे फ्राई कर लिया और अभी मैं इसमें डाल दूँगी पटेटो, और पटेटो को मैंने ऐसे पतला करके काट लिया। आप जितना कांदा डालोगे ना उतना ही पटेटो डालना तो खाने में ज़्यादा अच्छा लगेगा। इसमें मैं एक्स्ट्रा जैसे तेल नहीं डाला और एक्स्ट्रा पानी भी नहीं डालूँगी और पूरा जो रेसिपी है वो फिश ऑयल में ही पकेगा। अभी मैं डाल दूंगी स्वाद अनुसार नमक, थोड़ा सा जीरा पाउडर डाल दूंगी, थोड़ा सा चिली पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर और थोड़ा सा मैं डाल दूंगी आमचूर पाउडर। अभी इसको बहुत अच्छे से मैं भूनूंगी। गैस को मैंने धीमी आंच पे रखी, धीमी आंच पे ही रख के इसको पकाना पड़ेगा तो बहुत अच्छे से आलू बॉयल भी हो जाएगा। अभी मैं इसमें डाल दिया जो फिश ऑयल एक्स्ट्रा था उसको मैंने डाल दिया और अभी सब अच्छे से मैं मिला लूँगी और 2 मिनट तक मैं इसको भून लूँगी तो पूरी तरह से ये तैयार हो जाएगा। रेडी हो गया मेरा आज का रेसिपी फिश ऑयल चौचौड़ी, और ये बंगाली रेसिपी और बंगाली स्टाइल में मैंने बनाया। तो प्लीज़ ट्राई कीजिएगा और राइस के साथ आप लोग ये ट्राई कीजिएगा, और जिनको एक्चुअली पसंद है, क्योंकि ये चीज़ सबको पसंद नहीं आता है। और आप चाहो ना तो थोड़ा सा आप नींबू का जूस ऊपर से डाल दीजिएगा। मैं इसमें आमचूर डाला क्योंकि ये बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो जाएगा। तो चलिए, बाय बाय।